आरएस यूनानी फार्मेसी, गुर्दे पित्त में पथरी दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। फैटी लीवर मेडिसिन भी दस्तियाब, भादुरपुरा एक्स रोड, 9390610436 पर कॉन्टैक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मस्जिद अल अक्सा के इमाम साहब शेख अली उमर याकूब अब्बासी हैदराबाद आने पर साबिका वक्फ चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने इनका इस्तकबाल किया और इनकी शॉल पोशी और गुलपोशी भी की है और इनके साथ जहर की नमाज भी अदा की। आइए सुनते हैं तफसीलात। पूरा ग्रुप लेंगे, आज चलिए कैमरे यही रख सब गाली करे मत लो उनको क्या। आज अल्लाह का करम है कि मस्जिद अक्सा के इमाम साहब तशरीफ़ लाए हुए हैं और मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। मस्जिद अक्सा क़िबले अव्वल है हमारे लिए और अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि जो है ना आज यहाँ पर आके जोहर की नमाज पढ़ाए हैं वो, और पार्क कॉन्टीनेंटल होटल में रुके हुए हैं और ये अनमोल कॉन्टीनेंटल होटल में आए हैं और जोहर की नमाज पढ़ाए और इस और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल ऐसा कुछ नहीं है, उन्हें यहाँ पर टूरिस्ट वीज़े पे आए तो यहाँ पर हमारी भी मुलाकात हुई, उनका शर्फ हासिल हुआ और मैं इमाम साहब को दिल की गहराइयों से बार बार मुबारकबाद अदा करता हूँ, क्योंकि आज पूरे हिंदुस्तान के लिए भी दुआ करें उन्हों, अमन व अमान के लिए पूरी दुनिया के लिए दुआ करें हैं, अमन व अमान के लिए जो है पीसफुल रहना हमारा इंडिया भी बोल के दुआ करे। और मैं हमारे नवाब साहब का भी शुक्रिया और हमारे अकबर साहब जो मक्के के उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, ज़िया साहब का सबका। और आने वाले टाइम में इंशाल्लाह ताला हम लोग मस्जिद अक्सा के लिए वहाँ के लिए और हम भी दुआ करेंगे यहाँ से, और हमारे से जो हो सकता हम भी दिल की गहराइयों से वहाँ के जो भी हालात है पूरे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से और पूरे वर्ल्ड के हुकूमतों से मेरी अपील है कि आप लोग वहाँ पर लोग परेशान हैं, मर रहे हैं वहाँ पर, बहुत गलत हो रहा है, तो वहाँ पर आप लोग सपोर्ट करिए। और मेरी इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर से भी अपील है मेरी कि ये जंग बंद कर दीजिए आप, क्योंकि वहाँ पर बहुत लोग परेशान हैं, तबाह ताराज हो गए, घर की जगह ढीला नहीं रहा। इसके लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पूरे हुकूमतों से कि वहाँ पर आप लोग सपोर्ट करिए, सब लोग गुजारिश है आप लोगों से। तेलंगाना CM से भी मेरी अपील है कि आप लोग भी थोड़ा हेल्प करिए, वहाँ पर आवाम परेशान है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम कानून को मद्देनज़र रखते हुए हम कानून के साथ हैं, हम हिंदुस्तान के कानून को फॉलो करते हुए हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। समीर माशाल्लाह I asked cousin brother, yeah, if his family is same, yeah, he said yes. What are you telling? He didn't hear. Yeah, I told again. आपके इनके ख्यालात से मैं बोल रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। वो प्लेटों में अभी तो आ रहा है। अल्लाह, कुरान, यानी अल्लाह। चेयरमैन साहब इधर देखिए।
अलीम भाई इधर देखिए, अलीम साहब थोड़ा करीब आ, एक सेकंड इधर 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 ऐसे ऐसे इधर नहीं दो ना हाथ ले लो राइट ओके ठीक है सलीम साहब करीब करीब आ जाओ राइट इलिया से दौरा आ गया ठीक है। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की जरूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीश करते हुए दवाई की जाती है फराहम, तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाएं। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। खबर है शहर की, खबर है गांव की, खबर है सारी दुनिया की 7H न्यूज। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।